ये दौड़मुंडाई जो स्ट्रीट फूड कॉम्प्लेक्स है, अभी शाम को भीड़ हो गया है। इस कॉम्प्लेक्स में माँ तारिणी का एक चाट दुकान है, माँ तारिणी का नाम से। उनको दो आदमी मैनेज कर रहा है, पिताजी और उनका बेटी, दोनों मिल के उनको मैनेज कर रहा है। मोजाइडा केबेडो आप आरंभ कर दिले 50 वर्ष है जो, वो 50 साल से इसको शुरू किए थे। वो अभी सजाता है उनका सबको, ये आलू में कैसे सजाता है देखेंगे। क्या मसाला दिया? गरम मसाला दिया। आलू में मिर्ची डाला ना? मिर्ची नहीं डाला। आज कितना केजी आलू का क्या है आप? हमने
फिर भी अनुमान से कितना होगा? 4-5 kg होगा। मटर कितना डाला है? मटर और भी डालना है, अच्छा। नहीं, टोटल मटर कितना से ये क्या है? 1 किलो का। 1 किलो और डालना है। अच्छा, अभी बनाएंगे। अच्छा, मसला वो बना के रेडी करके रखते हैं, जब कस्टमर आएंगे वो फटाफट सर्व करेंगे। हर 5 मिनट लगेगा पकने के लिए। टमाटो भी छाट दिया है, देखिए उधर एका एका करे पूरा। अभी सजाई हो गया है, हो गया, दीदी ओके, का ओके हो गया। कितना अच्छा लग रहा है देख के, लोग तो आएंगे ना पहले, उनका बात खाएंगे। हाँ, वही आइडिया है। ये क्या है? दही है, पुदीना चटनी और इमली चटनी को मिला दिया, मिला पानी दिया। में इसमें मिला दिया, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। क्या पहला कस्टमर आ गए हैं, वो बनाना शुरू कर दिया है। क्या फूल का? 40 रुपया। फूल का 40 रुपया, आपका 30 रुपया। सॉरी, इसमें क्या क्या डाला है? मक्का, पापड़ी, अंदर चला गया। नेक्स्ट एड्रेस। ओके।
थोड़ा मिर्ची दिया, उनको ज़्यादा मिर्ची चाहिए। कैसे हैं, टेस्ट कैसे हैं? अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ पे पहले कभी खाया है? आज पहली बार आए। पहली बार है, अच्छा। तो और दूसरा जगह पे जहाँ पे आप खाया है इसी में और यहाँ का क्या डिफरेंस है? उड़ीसा में चाट चारों तरफ एक ही टेस्ट मिलेगा। एक ही टेस्ट, अच्छा। दहीवड़ा और ये चाट एक ही टेस्ट मिलेगा। 19-20 होगा, इतना डिफरेंस। तो फिर भी इस चाट कैसे हैं आपका हिसाब से? चाट टेस्ट ठीक है। ठीक है। ये आलू मटर और सब मसाला को मिला के बनाया है। तो ये बेसन का सेव है, मैदा का पापड़ी है। खुद बनाते हैं और बाहर से बनाते हैं? घर पे बनाते हैं। मक्का उसको भी खुद बनाते हैं और बाहर से लाते हैं? ना, वो लाकर फ्राई करते हैं। और ये प्याज और धनिया का मिर्ची मसाला। हाँ, मसाला सब है। वो वाला मिर्ची, ये गरम मसाला, अच्छा, दही, ये पुदीना, ये मीठा सॉस। इसी में बनता है उड़ीसा का चाट। मो बापांकर दुकान, मो बापांकर ए जगह रे 60 वर्ष हो बापांकर। बापा उ पारु न आसु छ जे असले छडा पता है। ये दुकान हमारा बापा का, हमारा पापा का। तो पापा आते हैं 6 PM में आते हैं। मैं आती हूँ, पापा बूढ़े हो गए तो कर पाते नहीं, इसलिए मैं आती हूँ। वो आएंगे 6 में आएंगे, वो बनाएंगे। उसको बूढ़े हो गए, उसको दिमाग में समझ नहीं आते किसको क्या पैसा कराऊँ, किसका क्या दूँ। मैं इसलिए पापा के पास रहता हूँ, उसको पैसा रखकर उसको पैसा देता हूँ। वो पापा दे देते हैं, हम बना कर देता हूँ, पैसा वगैरह रखता हूँ। वो उसके संभाल नहीं पाते, इसलिए हम उसको संभालते हैं। इस दुकान को उनका पिताजी 30 साल पहले शुरू किए थे। अब 60 साल पहले इस दुकान को उनका पिताजी 60 साल पहले शुरू किए थे। उनका पिताजी भी आ रहा है, लेकिन अभी वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लिया है पिताजी को हेल्प करने के लिए। याद नहीं रहता है पिताजी का? अच्छा, आपका पिताजी भी बच्चे की तरह हो जाता है। दिमाग का, अच्छा 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 73 years। अच्छा 73 years। वो क्या 13 साल से शुरू किया है, बचपन से? पिताजी बोल रहे थे वो 60 साल से वहीं से करते हैं। अच्छा, हम पैदा नहीं हुई थी वो हमारे पापा ने वहीं से शुरू किया था। अच्छा, अभी पापा ने हमारा दो भाई है। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उनके काम करते हैं और पापा को कोई नहीं हेल्प करते, मैं आकर हेल्प करता हूँ। मेरे भी शादी हुआ है। अच्छा, मेरे पति जी, मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, 16 वर्ष की 19 वर्ष की है मेरे बेटा। अच्छा, 12 वर्ष की मेरी लड़की है। अच्छा, और लोग क्या कर रहे हैं? 20 साल मेरी शादी हुई है। अच्छा, 20 साल हो गया आपका शादी? 20 साल शादी। अच्छा, तो आप पिताजी का साथ रहते हैं, अलग रहते हैं? हम पिताजी के साथ रहते हैं, हम पति भी रहते हैं हमारा पास। अच्छा, बेटा रहते हैं, बेटी रहते हैं, सब हम मिलजुल कर रहते हैं पापा का हेल्प करने के लिए। अच्छा, हमारा पति बोलते हैं जाओ पापा को हेल्प करो। अच्छा, अच्छा पतिदेव है आपका? सभी पति का कहते हैं, इसलिए हमारा पति बहुत अच्छा सती की हेल्प करता है। बोलते हैं तो हम आते हैं ना। अच्छा, सती की हेल्प हम आते हैं। अच्छा, हमारा पति बहुत अच्छा,
को बोलते हैं या पापा को बोलते हैं पारते नहीं और उनका सहारा भी कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर बूढ़े का हम पापा का एक सहारा जी। और क्या है, लड़का भी नहीं करते आजकल, लड़की करते हैं बहुत अच्छा बात है। अच्छा, आप कब से हेल्प कर रहे हैं पिताजी को? दो साल से। पिताजी का नाम क्या है? हमारा पिताजी का नाम है नंदकिशोर पलाई। नंदकिशोर पलाई, आपका नाम क्या बोला? नर्मदा नायक। नर्मदा नायक जी, और सब लड़की के लिए एक उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है। तो वो पिताजी को हेल्प करता है कैसे, आप खुद देखा है? मैंने सब बनाया है, उसको छान के मैंने नीचे हाथ में बनाया है, सब्जी लेकर सब मैंने किया है, बनाकर लेके ठेला गाड़ी में ठेल के लाते हैं। अभी शुरू वो गाड़ी भी ठेल के आप लाते हैं? अच्छा, वो लाती हूँ, रात को भी मैं जाती हूँ, मेरे बेटे आएंगे, हम दोनों अच्छा ठेल जाएंगे। गाड़ी को नर्मदा जी खुद ठेल के डेली लाते हैं यहाँ घर से, और फिर रात को भी लेते हैं। जाते हैं यहाँ से। ये दुकान कितना बजे से कितना बजे खुलता है? 3:30-4 बजे खोलता है, रात 11:30 में बंद होता है, उसको उठा उठी करके 12 बजे पे उसको इससे निकलने से 12 बजते हैं, और घर पहुँचने के 12:10-15 हो जाते हैं। अच्छा, सोने से सोने टाइम 2 बजे हो गया सभी दिन। अच्छा। 2 बजे जाता है। अच्छा। क्या बोले, लड़का दुनिया में सफर करते हैं, लड़की बहुत ज़्यादा कम करते हैं। लड़की करने से वो अच्छा लगता है, लड़की हिम्मत जो हिम्मत है वाला होता है वो करता है, सब कुछ करता है हिम्मत के। मैंने लॉकडाउन में मैं भूल के मैंने ब्याज में हाथ में धर कर इडली बड़ा आलू चॉप वेजिटेबल चॉप मैंने खुद घर में बना कर बेच कर पूछा बेच कर मैंने घूम कर सेल किया था। यही दुकान बंद था, पैसा नहीं आया, उसके बाद मैंने परिवार बेचा था लॉन्डी रोड के हाईकोर्ट में, परिवार बेचा था। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला था वहाँ काम मत करो, पापा के जाओ पास जाओ, पापा को हेल्प करो, पापा का मन नहीं लगता और पापा का दिमाग भी अच्छा नहीं ले रहता, तुम जाओ उनके पास हेल्प करो। मैंने बोला हाँ अच्छा, और किसको कहीं जाओ, मेरे पापा के दुकान में रहो काम करो, हाथ बटाओ पापा का सब रह, ये चाट का टेस्ट कैसे है? बढ़िया। अच्छा, आप पहले कभी खाया है यहाँ पे? साल में एक बार आते हैं, खाते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में। अच्छा,
कैसे हैं टेस्ट? बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कर्नाटक का ये तो स्पेशल है, बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट